जय श्री कृष्ण प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। प्रिय दर्शकों, तात्पर्य है कि भगवान कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते या कभी भी ऐसे नहीं बैठते कि कोई कार्य नहीं है, आराम से बैठे हैं टाइम पास करने के लिए। गीता जी में भी उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि यदि मैं नियम पूर्वक सृष्टि संचालन के कार्य को ना करूं तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए कर्म योग तो करना आवश्यक ही है। आइए अब चलते हैं इस वीडियो की सत्य घटना की तरफ, सच्ची कहानी की तरफ, जो है भक्त श्री एकनाथ जी की। भक्त श्री एकनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1590 के लगभग में हुआ था। इनके जन्म काल के समय में मूल नक्षत्र चल रहा था, अतः इनके जन्म लेते ही इनके पिता का देहांत हो गया तथा उसके कुछ समय पश्चात ही माता का भी। इनके पिता श्री सूर्य नारायण बड़े मेधावी तथा माता रुक्मणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थी। इनका लालन पालन पितामह चक्रपाणी ने किया। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वह पूरा हुआ। श्री एकनाथ जी ने 6 वर्षों तक बड़ी निष्ठा के साथ गुरु की सेवा की और फिर गुरु की ही आज्ञा से यह तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। तीर्थ से जब वापस लौटे तो श्री एकनाथ जी, इनके जो दादा दादी थे उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी, इनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। अतः उन्होंने इनके गुरु से यह आज्ञा ले ली कि अब एकनाथ जी तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम व्यतीत करो। अतः जब वह वापस आए तो इनके दादा दादी ने इन्हें वह आज्ञा पत्र दिखलाया और इनकी शादी हो गई। पत्नी गिरजाबाई थी, जो बड़ी पतपरायण और सती आदर्श गृहिणी थी। इस काल इनका सारा प्रपंच भी परमार्थ परायण हो गया। इनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या बड़ी अच्छी थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्मरण करते, फिर गुरु चिंतन करने के पश्चात शौचादि और गोदावरी में स्नान से निवृत्त होकर सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करना, यह इनका नित्य का कार्य था। सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान, आराधना आदि करके गीता, भागवत गीता आदि ग्रंथों का ये पाठ नित्य ही करते थे। इनके जीवन से जुड़ी हुई जो चमत्कारपूर्ण सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं हैं, वह मैं आपको अब सुनाता हूँ। एकनाथ महाराज प्रतिदिन का नियम था गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक मुसलमान रहा करता था। यह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बड़ा तंग किया करता था। एकनाथ महाराज को भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथ जी जब स्नान करके लौटते तब वह उन पर जानबूझकर कुल्ला करके जो पानी था इनके ऊपर ही डाल देता था। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान करने जाते, यह जब वापस आते तो फिर से वह वही क्रिया करता, कुल्ला करके पानी जो होता इनके ऊपर ही डाल देता। इस तरह दिन में 5-5 बार यह स्नान करते जा करके। परंतु क्षमाशील और दया भाव इनके अंदर इतना था कि कभी उससे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन तो इस अत्याचार की सीमा ही हो गई। 108 बार उस यवन ने, उस मुसलमान ने इन पर पानी से कुल्ला किया और यह 108 बार ही स्नान करके आए। पर महाराज की शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर वह यवन अपने किए पर बड़ा लज्जित हुआ और महाराज जी के चरणों में आ गिरा। तब से उसका जीवन ही बदल गया। एक बार श्राद्ध के दिन की बात है, इनके पिता का श्राद्ध पड़ना था। श्राद्ध था, रसोई तैयार हो चुकी थी। जो ब्राह्मण आमंत्रित थे वह प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हुए थे। उसी समय उधर से 4-5 महार निकले। मिठाई की जो सुंदर गंध थी वह उनके जब इंद्रिय में आई तो उन्होंने दूर से ही कहा कि ऐसी बढ़िया सुगंध आ रही है, भूख ना हो तो भूख लग जाए।
पर ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहाँ। एकनाथ महाराज ने इस बात को सुन लिया और तुरंत उन महारों को बुला करके उन्हें उस रसोई से अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा वह भी गिरजाबाई ने इन महारों के घर वालों को बुलाकर खिला दिया। फिर स्थान को भली भांति धोकर लीप कर ब्राह्मणों के लिए दूसरी रसोई बनाई। पर निमंत्रित ब्राह्मणों को यह बात जब मालूम हुई तो उनका क्रोध अपनी सीमा से पार हो गया। उन्होंने एकनाथ को धर्म भ्रष्ट समझकर बहुत अंटसंट सुनाई, फटकार लगा दी, तुम्हारे जैसे पतित के यहाँ हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनयपूर्वक समझाया कि आप लोग भोजन कीजिए, सब शुद्धि कर दिया गया है। उसके पश्चात दोबारा से रसोई बनी है, पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हार कर यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज ने पितरों का ध्यान और आवाहन किया। स्वयं पितर मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं श्रद्धान ग्रहण किया और परितृप्त होकर आशीर्वाद देकर फिर अंतर्धान हो गए। यह बात उन ब्राह्मणों को भी जब पता लगी तो वह बड़े लज्जित हुए। एक बार काशी की यात्रा करके जब एकनाथ महाराज प्रयाग का गंगाजल कांवर से लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे, तब रास्ते में एक जगह रेतीला मैदान आया। वहाँ एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर के उसके मुंह में डाला, उसको जल पिला दिया। उसके पश्चात गधा एकदम चंगा होकर के वहाँ से चल दिया। अब नाथ जी के संग के जो साथी थे उन्होंने कहा कि जो एकनाथ जी के साथी थे उन्होंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, आपने तो गंगा जल का निरादर कर दिया, एक गधे को पिला दिया, जबकि इसे हमें रामेश्वरम में जा कर के चढ़ाना था। तब एकनाथ जी ने उन्हें समझाया कि भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान घट घट वासी हैं और फिर भी ऐसे बावले बनते हो, समय पर जो काम न दे ऐसा ज्ञान किस काम का। कंवर का जल जो गधे ने पिया वह सीधे श्री रामेश्वरम जी पर चढ़ गया। महाकवि मोरोपंत एकनाथ महाराज के इस कृत्य को लच्छ विप्र भोजन के समान पुण्यप्रद कहते हैं। एक और घटना बड़ी ही आश्चर्यजनक घटित हुई। पेठड़ में एक वैश्या थी, बड़ी चतुर सुंदर और नृत्य गायन आदि में बड़ी कुशल। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी आया जाया करती थी। एक दिन महाराज ने भागवत का पिंगलाख्यान कहा, उसे सुनकर उस वैश्या को वैराग्य हो गया। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई। अपने शरीर के नवों द्वारों से रात दिन मेला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं भी कैसी अभागिन हूँ जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्ठा मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदय में स्थित अच्छे आनंद स्वरूप श्री हरि का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ। प्रिय भाई बहनों, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार होते हैं या दुष्कर्म होते हैं वह जब तक नष्ट नहीं हो जाते, तब तक प्रभु की भी कृपा हम पर पूर्ण रूप से नहीं होती। और जब होती है तब सारे चक्षु खुल जाते हैं। इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वैश्या अपने घर का द्वार बंद किए घर में अकेली ही पड़ी रही। बार बार एकनाथ महाराज का स्मरण करती, यह भी सोचती कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि वह श्री एकनाथ जी के चरणों को पकड़ करके आशीर्वाद ले और अपने पापों को नष्ट भ्रष्ट समझे। महाराज एक दिन गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। उसने झरोके में से महाराज जी को देखा और दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर गदगद कंठ से बोली, महाराज क्या इस पापिन के घर को आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं। एकनाथ महाराज ने तुरंत कहा, इसमें कौन सी दुर्लभ बात है, और इतना कहकर एकनाथ जी घर में प्रवेश कर गए। सूर्य के प्रकाश के समान अंधकार मिट गया। वैसे ही एकनाथ महाराज के पदार्पण से वह पाप सदन भगवान नाम निकेतन हो गया। वैश्या न रही, अनुताप से उसके सारे पाप धुल गए। पश्चाताप की अग्नि समस्त पापों को जला डालती है। एकनाथ महाराज के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवान नाम की मोहर लग गई। एकनाथ महाराज ने उसे राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का क्रम बताया।
10 वर्ष बाद जब इस अनुग्रहीता का देहावसान हुआ तब वह श्री कृष्ण स्वरूप के ध्यान में निमग्न थी। वाह, क्या शरीर छूटा उसका। प्रिय भाई बहनों, जब इस नश्वर जगत से, इस नश्वर जगत की क्रियाकलापों से एक बार घृणा हो जाती है और ईश्वर से एक बार प्रेम हो जाता है तो वह तो अच्छे है, वह कभी समाप्त नहीं होने वाला। पर इस नश्वर जगत में हम किसी भी वस्तु से प्रेम करते हैं तो वह तो कभी न कभी निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ नश्वर है आत्मा को छोड़ करके। तो फिर आत्मा से ही प्रेम कीजिए, इस शरीर से, इस चमड़ी से प्रेम मत कीजिए, क्योंकि यह तो मल मूत्र का पिंड है। शरीर तो विष्ठा का भरा हुआ है, कफ मल मूत्र रक्त यही सब चीजें इसमें हैं, अंदर दिखावटी है। वरना जब प्राण निकल जाते हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है, फिर इससे घृणा क्यों हो जाती है? शरीर से मनुष्य क्यों इतनी घृणा करने लगता है? तब भी तो प्यार करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो फिर उसी से प्यार कीजिए जिससे प्यार होना चाहिए। होना किससे चाहिए? आत्मा से, क्योंकि आत्मा जब निकल गई तो आप शरीर से घृणा कर रहे हैं, परंतु उस इंसान के उन कृत्यों से आप प्रेम कर रहे हैं। तो वो जो कृत्य थे वह कब थे? जब आत्मा शरीर में प्रविष्ट थी, आत्मा जब शरीर में उपस्थित थी, और जब आत्मा निकल गई तो उससे प्रेम आपका हट गया। तो फिर उसी आत्मा से ही प्रेम कीजिए। आत्मा का तात्पर्य प्रभु से ही प्रेम करना हुआ। एक और घटना श्री एकनाथ जी के जीवन काल में घटी, बड़ी ही रोचक और आनंददायक। एक रात श्री एकनाथ जी जब कीर्तन कर रहे थे तो उनके कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में चार चोर घुस बैठे, इस नियत से कि कीर्तन समाप्त होने पर जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ भी सब लोग सो जाएंगे तब रात के सन्नाटे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बजे के लगभग चोरों को यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन उन्होंने हथियाए तथा और भी हाथ साफ करने की घात में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह देव ग्रह के समीप पहुंचे। भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और श्री एकनाथ जी महाराज समाधिस्थ थे। यह उन चोरों ने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर का, प्रभु का ही चमत्कार है, ठाकुर जी का ही है चमत्कार है कि उनकी आंखों की ज्योति चली गई। अब वे निकल भागना चाहते थे, क्योंकि अब तो ऐसे में तो हर कोई हड़बड़ा जाएगा कि आंखें अच्छी खासी थी और ये आए थे 10 रुपए की चोरी करने और ये तो उल्टा क्या हो गया। तो वो वहाँ से निकल भागना चाहते थे, दृष्टि उनकी चली गई, अब कैसे निकलें? हड़बड़ाने से इधर उधर जब दौड़े भागे तो बर्तनों से टकरा टकरा कर गिरने लगे। देवग्रह से एकनाथ महाराज बाहर निकले, उन्होंने सोचा यह क्या हुआ, एकदम से बर्तन कैसे गिरने लगे। पूछा, कौन हो भाई, कौन हो? चोर रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हम लोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिए। महाराज ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा, उन चोरों की पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गई। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा कि ये कपड़े और बर्तन तो तुम लोग ही ले जाओ, और भी जो कुछ इच्छा हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर इससे बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। इस प्रकार परोपकारमय निष्प्रह साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थ आश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अंत में विक्रम संवत 1656 में चैत्र कृष्णा षष्ठी को एकनाथ महाराज ने गोदावरी तीर पर अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। इन्होंने अपने प्रयाण का दिन पहले ही बतला दिया था कि इस दिन मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। अतः उसके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वत्र भगवत कीर्तन हो रहा था, हरी कथाओं की धूम मची हुई थी, दूर दूर से आए हुए दर्शनाभिरातियों की भीड़ जमा हुई थी, आकाश भगवान नाम से गूंज रहा था। जब उस षष्ठी तिथि का प्रातःकाल सामने आ गया तब श्री एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। कहा जाता है कि
श्री रामचंद्र जी ने स्वयं प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। उसके पश्चात ही इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के ऐसे भक्त धन्य हैं जो अपने साथ साथ हजारों की भीड़ को भी भगवान नाम से जोड़ देते हैं। इससे अच्छा कार्य मनुष्य जीवन की सार्थकता का और कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी से भी विनती करता हूँ कि पहले तो किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ और अंत में भगवान नाम की जो स्तुति है उसको करते रहिएगा, जिससे प्रभु का सानिध्य आपको प्राप्त हो सके और ऐसे संत महापुरुषों की तरह आप भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें या अपना कम से कम कल्याण तो हम कर ही सकें। मिलते हैं अगली किसी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।